क्या तुम्हारे साथ भी होता है, जैसे तुमने सैलरी पढ़ लिया, अब उसके बाद तुम पीजीबीपी उठाने गए तो तुम सैलरी का धीरे धीरे भूलते जाते हो, इतना बड़ा सिलेबस है कैसे पढ़े, कुछ ना कुछ तो भूल ही जाते हैं भाई। या फिर तुम्हारे साथ ये होता है कि तुमने एक कॉन्सेप्ट सेक्शन प्रोविजन जो भी कह लो तुमने अच्छे से पूरा याद कर लिया पढ़ लिया, लेकिन तुम फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, कर भी रहे हो तो कुछ ना कुछ तो गलती हो ही रही है। 74 मार्क्स इन सी एंटर टैक्सेशन, इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे को बताऊंगा बेस्ट टीचर्स कौन से रहेंगे टैक्सेशन के लिए। एमसीक्यूज के अंदर मैंने 18 out of 18 इन डायरेक्ट टैक्स एंड 8 out of 12 इन इनडायरेक्ट टैक्स कैसे स्कोर करा। तीसरी चीज तो भाई लिटरली मैं बता रहा हूँ, मजा ही आ जाएगा तुम्हारे को। रिविजन टेक्निक्स, जिसके अंदर मैं तुम्हारे को टोटल 8 पॉइंट बताने वाला हूँ, 8 पॉइंट जिसको तुम भाई लिख लेना जो तुम्हारे को रेलिवेंट लगे, वरना तुम वीडियो ऊपर से देख के चल जाओगे, तुम भूल और जाओगे 1-2 पॉइंट और कोई मतलब नहीं निकलेगा। टोटल इनकम वगैरह जो भी कॉमनली डाउट होते हैं ना, सारी चीजें बताने वाला हूँ, मजा आ जाएगा तुम्हारे को वीडियो देखकर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट टीचर्स कौन से रहेंगे टैक्सेशन के लिए। देखो, तुमने जिनसे क्लासेस लिया ना उनका कमेंट में नाम और क्या तुम्हारा रिव्यू रहा वो जरूर से जरूर लिखना, ताकि क्या बाकी बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और एक जो स्टूडेंट होता है वही बेस्ट रिव्यू बता सकता है एक टीचर का, मेरे ओपिनियन में। देखो मैं बताऊँ ना, विजय सारदा सर डायरेक्ट टैक्स के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट लगे मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया लगे। उनके मैंने रिविजन वीडियो जो होती है ना मैराथन वगैरह वो देखी थी, ठीक है ना। उसके बाद IDT के लिए ना विशाल भट्टर सर नाम से, उनने देखो बीबी सर और विशाल भट्टर सर ये दो हैं, इनने ना Super 30, Super 25 ऐसे क्वेश्चंस ये लॉन्च करते हैं हर अटेम्प्ट के लिए मोस्टली, तो वो ज़रूर से ज़रूर करके जाना। उनकी मैंने वो वीडियो देखी थी और क्वेश्चन करे थे, ओवरऑल कवरेज रहती है उसमें, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे को सेम मिल जाएंगे, वो मेरे को नहीं पता, लेकिन ओवरऑल पूरा अच्छे से बहुत ज़्यादा रिविजन हो जाता है। तो मेरे ओपिनियन में ये दोनों रहेंगे, बाकी तुम कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना, ठीक है। अब मैं तुम्हारे को बताऊंगा MCQs के अंदर मैंने डायरेक्ट टैक्स के अंदर 18 out of 18 और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर 8 out of 12 कैसे स्कोर करा। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दो चीजें अपने पास एमसीक्यूज के अंदर, एक होती है केस स्टडी, एक होती है अपने पास डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बताऊंगा कहां से आते हैं, जैसे तुम पीजीपी वगैरह पढ़ोगे, मतलब हर चैप्टर के अंदर से जो छोटे छोटे टॉपिक आते हैं ना, जैसे बुक प्रॉफिट वाला है पीजीपी के अंदर, तो क्या वो टॉपिक्स जो एक एक टॉपिक्स है ना उसके अंदर से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन रैंडमली आ जाता है। और जो केस स्टडी की बात करूं मैं, तो जैसे दोनों बता रहा हूं मैं, DT IDT साथ में बता रहा हूं, जैसे टोटल इनकम वगैरह है, ITC वगैरह के जो क्वेश्चंस है ना, जो अपने प्रॉपर बड़े वाले क्वेश्चंस है, वो तुम्हारे को केस स्टडी के अंदर मिल जाते हैं। बेसिकली देखा जाए ना टैक्सेशन के अंदर MCQs में अगर तुम्हारे को अच्छे से स्कोर करना है ना, एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ मैं तुम्हारे को जो टॉपिक्स हैं और जो ओवरऑल क्वेश्चंस है वो ही तुम्हारे को अच्छे से आने चाहिए। मतलब बेसिकली ऐसा कुछ भी अलग नहीं है, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर थोड़ा अलग है कि MCQs के अंदर अपन कैसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, जो कि मैंने तुम्हारे को ऐसी 6 के 6 सब्जेक्ट की वीडियो दे रखी है, वो लास्ट में तुम्हारे को प्लेलिस्ट लगा दूंगा, तब चेक कर लेना, ठीक है ना। तो डायरेक्ट मतलब टैक्सेशन के अंदर है ना तुम्हारे को कॉन्सेप्ट सबसे मेन चीज़ है, तुम्हारे को अगर क्वेश्चंस वगैरह अच्छे से सॉल्व करने आते होंगे तो MCQs में भी तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। अलग से तुम्हारे को MCQs के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो क्वेश्चन की लिस्ट जो ICA अपनी साइट पे डालते हैं ना, जो भी बुकलेट आती है MCQ बुकलेट, उसके तुम क्वेश्चन सारे कर लो, बहुत सफिशियंट रहेगा। बाकी तुम्हारे को अगर कॉन्सेप्ट आता होगा ना, तुम नए क्वेश्चन जोएंगे तुम इजीली कर जाओगे। तो ये है अपना MCQs भी होता है, जैसे तुमने सैलरी पढ़ लिया, अब उसके बाद तुम PGBP उठाने गए तो तुम सैलरी का धीरे धीरे भूलते जाते हो, इतना बड़ा सिलेबस है कैसे पढ़े, कुछ ना कुछ तो भूल ही जाते हैं भाई। या फिर तुम्हारे साथ ये होता है कि तुमने एक कॉन्सेप्ट सेक्शन प्रोविजन जो भी कह लो तुमने अच्छे से पूरा याद कर लिया पढ़ लिया, लेकिन तुम फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, कर भी रहे हो तो कुछ ना कुछ तो गलती हो ही रही है क्वेश्चन के अंदर भाई। ये बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक है, बहुत ज्यादा। इन दोनों को मैं आइडेंटिफाई करने के लिए आगे तुम्हारे को 8 पॉइंट बताने वाला हूं जो नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं। नेक्स्ट 8 पॉइंट में क्या है, मैं लास्ट के जो 2 पॉइंट होने वाले हैं ना उसमें मैं ओवरऑल सब्जेक्ट के लिए रिविजन टेक्निक बताऊंगा, जो कि लिटरली बता रहा हूँ नेक्स्ट लेवल होने वाली है, और तुम्हारे नंबर ओवरऑल पासिंग जो तुम्हारी हो सकती है ना नेक्स्ट लेवल रिजल्ट से हो सकती है तुम्हारी, इसलिए ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले मैं तुम्हारे को बताता हूँ टोटल इनकम मान लो टैक्सेशन की जान है, मतलब अगर तुम्हारे को टोटल इनकम आता है ना भाई नेक्स्ट लेवल तुम्हारे नंबर आ सकते हैं, और तुम्हारे को सच में टैक्सेशन आता है इसका मतलब, ठीक है ना। तो तुम्हारे को देखो टोटल इनकम को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले तो तुम जैसी प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो तुम्हारे को एक आइडियोलॉजी मतलब एक वे बना लेना है कि यार हमेशा मैं इसी वे में क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, वो तुम्हें खुद को बनाना पड़ेगा कि यार हमेशा मैं सबसे पहले ये निकालूंगा, सबसे पहले जैसे मैंने एक लाइन पढ़ी उसके बाद जो उसका इफेक्ट है मैं पहले वो लिखूंगा। तो तुम्हारे को ही अच्छे से पूरा आइडेंटिफाई करके एक
प्रॉपर प्रोसीजर बनाना पड़ेगा कि ऐसे मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा टोटल इनकम के। तो सबसे मेन चीज़ यही है, एडवांस अकाउंट्स के अंदर भी यही चीज़ है कि रहता ना यार बड़ा सारा क्वेश्चन है टोटल, मतलब एडवांस अकाउंट दोनों में चलेगा टैक्सेशन, बड़ा सारा क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करें। तो तुम जब पहली बार से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो तुम्हारे को एक प्रॉपर पैटर्न बना लेना है कि यार मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करूंगा। इससे तुम्हारे को क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। और सबसे मेन चीज़ है स्टार्टिंग से, अभी से ही तुमने जैसे ही वीडियो देख ली उसके बाद जो भी तुम क्वेश्चन कर रहे हो ना उसको आइडेंटिफाई करो, यार सबसे पहले ये निकालेंगे फिर ये निकालेंगे फिर ये निकालेंगे, ऐसे अपन पूरे आंसर तक पहुँचेंगे। सबसे बेस्ट चीज़ रहेगी अगर तुम्हारे को टोटल इनकम के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने, या फिर तुम्हारे को जो 20-20 नंबर के चाहे एडवांस अकाउंट्स किसी भी आते हो ना सॉल्व करने ना, ऐसे ही होंगे सॉल्व इनफैक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। दूसरी एक शानदार चीज मैं तुम्हारे को बताने वाला हूं जो मैं खुद भी करता था, क्या है वो, जैसे तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो टोटल इनकम के होगा सैलरी के होगा पीजीबीपी के होगा, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना तुम मॉड्यूल के, या फिर कोई भी तुम कहीं के भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तुम्हारे को सिंपली बताऊं क्या करना है, जो एडजस्टमेंट हार्ड है जो तुम्हारे को नहीं आ रही उसको तुम गोला मार्क कर लो और उसके नीचे उसका सॉल्यूशन लिख लो। अब अगली बार जैसे ही देखो, तुम्हारे को जरूरी नहीं है कि तुम हर बार क्वेश्चन कर रहे हो टैक्सेशन में, बता रहा हूं हर बार तुम क्वेश्चन कर रहे हो टोटल इनकम के, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है तो तुमने अभी कर लिया, अब तुम एक महीने बात कर रहे हो तो वापस तुम रिटर्न में सॉल्व करो, नहीं। जो मैं बताऊं क्या करता था, मैंने मार्क कर लेता था पहले में ही कि गोला लगा लेता यार ये वाला पॉइंट का क्या क्या ट्रीटमेंट होगा ये देख लेता था मैं। उसके बाद है ना अगली बार जैसे मैं रिवीजन करने के लिए आ रहा हूँ, मैं बुक खोल के देख रहा हाँ ये वाला, अच्छा ये वाला पॉइंट, हाँ इसका ट्रीटमेंट मेरे को याद है ऐसे ऐसे होता है। अगर भाई एक चीज़ बता रहा हूँ, वो जो पॉइंट है ना वो अगर सेम तुम्हारे को, देखो वो तुम पॉइंट अगर गोला लगा रहे हो तो मतलब तुम्हारे को नहीं आ रहा, मतलब वो कुछ अच्छा पॉइंट है तुम्हारे को रिमेंबर रखना चाहिए। और वही मेरे को एग्जाम में ऐसा मिल गया था, जो पॉइंट में मैंने गोला लगा रखा था ना सेम मेरे को वो एग्जाम में मिल गया था कि यार इसका ट्रीटमेंट तो मेरे को बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि मैंने इसको गोला लगा के 3-4 बार जब भी रिवीजन कराया ना, मतलब रिवीजन सिंपली मतलब बुक खोल के देखा कि यार इसके क्वेश्चन अच्छा ऐसे ऐसे सॉल्व होता है, ठीक है क्वेश्चन पहले रिटर्न में सॉल्व करा उसके बाद बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो इससे मेरे को बहुत ज्यादा लिटरली फायदा हुआ था, जरूर करना ये, इससे तुम्हारे को जो हार्ड पॉइंट है ना वो तुम्हारे को। तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हारे को बताऊंगा, देखो टैक्सेशन के अंदर है ना बेसिकली क्या चीज़ है, टोटल इनकम है ना सबको पता है हार्ड है थोड़ा बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन है ना टैक्सेशन में सबसे मेन ही टोटल इनकम है। तो जो मैंने बताऊं क्या करा था, टैक्सेशन में जैसे तुम एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लो ना, जितने तुम्हारे को टोटल इनकम के क्वेश्चन मिले जितने सारे करो सारे, मतलब ऐसे नहीं तुम पूरा फॉर्मेट बना बना के अच्छे से कर रहे, जिस वे में तुम कर सकते हो मतलब रिटर्न में करना है, लेकिन भाई जितने हो सके ना उतने टोटल इनकम के क्वेश्चन सॉल्व करो। इससे बताऊँ क्या होगा, सबसे पहले तो टोटल इनकम में कैसे अपन को सॉल्व करना है, जैसे TDS बाद में कट रहा है और डिविडेंड अपन को इनकम की नेट दे रखी है, तो ये सब चीज़ें तुम्हारे को हर चीज़ आइडेंटिफाई होंगी कि यार इनका कैसे ट्रीटमेंट होगा। जितने ज़्यादा तुम क्वेश्चन करोगे ना उतनी ज़्यादा तुम्हें चीज़ें पता लगेगी। दूसरी चीज़ क्या है, इससे जैसे तुम्हारे दूसरे प्रोविजन है सैलरी के अपने पास डिडक्शंस वगैरह सबका तुम्हारे को टोटल रिविजन हो रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ TDS वगैरह सारी चीज़ों का रिवीजन हो रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने हो सके टोटल इनकम के क्वेश्चन ही क्वेश्चन सॉल्व करो। खूब सारे PDF खूब सारे क्वेश्चन पढ़े पढ़े, सबसे पहले मॉड्यूल के करो, जितने हो सके टोटल इनकम ही टोटल इनकम के। मैंने कम से कम 40-50 क्वेश्चन टोटल इनकम के सॉल्व करे थे और सच बताऊँ मेरा आज तक कभी एक भी प्रॉपर पूरा सही नहीं गया, हमेशा कुछ ना कुछ तो गलती हो जाती थी, कुछ ना कुछ तो गलती तुम्हारे से होगी। आंसर अगर तुम्हारा सही आ रहा है 1-2 में सही आएगा तो भाई बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हर चीज़ से बताऊँ क्या है, हर टोटल इनकम के क्वेश्चन से मैं 2-3 नई चीज़ें सीखता था कि यार इसका ट्रीटमेंट ऐसे होगा इसका ट्रीटमेंट ऐसे होगा। तो लिटरली बता रहा हूँ जैसे तुम टोटल इनकम के क्वेश्चन करो ना, क्या तुम्हें नहीं आया क्या गलत हुआ वो आइडेंटिफाई करो ताकि तुम वो अगली बार ना करो, और इससे क्या तुम ओवरऑल पूरे टैक्सेशन डायरेक्ट टैक्स के अंदर तुम अच्छे से खेल सकते हो। इसलिए बता रहा हूँ बहुत शानदार चीज़ रहने वाली है, इसको फॉलो जरूर से जरूर। एक और चीज़ मैं तुम्हारे को टोटल इनकम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बनाने वाला हूँ, तुम भी सोच रहे होंगे यार ये टोटल इनकम कितनी बात हो रही है, भाई जान है मैं स्टार्टिंग में कह दिया ना अगर तुम्हारे को ये अच्छे से आता है ना सॉल्व करने तुम्हारे डायरेक्ट टैक्स के अंदर बहुत शानदार नंबर आएंगे लिटरली, ठीक है ना। अब देखो एक चीज़ है, बहुत सारे क्वेश्चन है डायरेक्ट टैक्स मतलब टोटल इनकम के, जोर भी बहुत आता है करने में इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो क्या करो अपने दोस्त के साथ कोई बात कर लो कि फिक्स कर लो कि यार डेली के अपन 5 क्वेश्चन करते हैं, या फिर तुम्हारी मर्जी 3 क्वेश्चन कर लो, 3 क्वेश्चन करेंगे और जो भी रहा ना वो डिस्कस कर लेंगे। हम लोग भी यही करते थे 10-10 क्वेश्चन करें, मतलब मैं तो क्या बहुत रफ वे में करता हूँ, मैं ऐसे रिटर्न वे में प्रॉपर नहीं, IFOS मतलब ये तो शॉर्ट में ही लिखते हैं सब, बाकी मैं बहुत स्पीड में मतलब बहुत शॉर्ट लिखता हूँ मैं, तो इससे मैं जल्दी कर लेता था। और रात को क्या करो, मतलब जब भी तुम फ्री हो अपने दोस्त के साथ डिस्कस करो कि यार इसका क्या ट्रीटमेंट हुआ, ये तेरा क्या गलत हुआ, वो क्या गलत हुआ, और क्या इस चीज़ का ट्रीटमेंट होगा। इससे तुम्हारे को लिटरली बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा, जो सबसे मेन चीज़ है ना डायरेक्ट मतलब टोटल इनकम के अंदर जितने भी डिफरेंट चीज़ें आ रही है वो क्या है अलग अलग चैप्टर्स है, अब उनका तुम्हारे को ट्रीटमेंट पता चल जाएगा, ओवरऑल सारे चैप्टर्स का ही अपना रिविजन हो रहा है और टोटल इनकम का क्वेश्चन भी अपने को अच्छे से आ जाएगा फिर। और बेसिकली टैक्सेशन के अंदर भाई टोटल इनकम ही है यार, तुम्हारे को बाद में भी टोटल इनकम का ही पूरा अच्छे से रहेगा, तो ये चीज़। अब मैं बात तुम्हारे को सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखो क्या है,
टैक्सेशन के अंदर ऑब्वियसली बात है बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा, तो गारंटेड है तुम भूलोगे। मैं भी भूल जाता था बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे मेन चीज़ बताऊँ क्या है, जैसे तुमने स्टार्टिंग में पढ़ा रेजिडेंशियल स्टेटस, उसके बाद तुम गए अपना हाउस प्रॉपर्टी उठाने मान लो, ठीक है ना। तो तुम्हारे को क्या करना है, आज तुमने जैसे पहले तो तुमने रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ लिया, अब तुम बाद में हाउस प्रॉपर्टी जब पढ़ रहे हो ना, तो क्या करो, जो तुम्हारे नोट्स है ना वो तुम, एक बहुत ही तगड़ी चीज़ बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो नोट्स है ना तुम्हारे जिस टीचर से तुमने पढ़ा है मॉड्यूल से, मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता है पढ़ना मतलब ऐसे कॉन्सेप्चुअली टैक्सेशन के अंदर, तो जिस टीचर से तुमने पढ़ा है ना, ऐसे किसी के भी तुम नोट्स ले लोगे ना तुम्हें समझ ही नहीं आएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ जिस टीचर से तुमने लिया है ना डायरेक्ट टैक्स, उस टीचर के मतलब इनडायरेक्ट टैक्स भी, उस टीचर के नोट्स जो है ना नोट्स, उनको भाई अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल अच्छे से, हमेशा उनको याद करते रहो, रिवाइज करते रहो, डेली उसको रिवाइज करते रहो, नोट्स पे स्टिक रहो, और कहीं किसी और के नोट्स ले लो जिनसे तुमने पढ़ाई नहीं है, तो तुम कन्फ्यूज ही कन्फ्यूज होते रहोगे। इसलिए बोल रहा हूँ दोनों के अंदर डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, जो तुमने टीचर के नोट्स लिए उनसे तुम्हारे को कंटिन्यूसली पढ़ना है। अब क्या करना है तुम्हारे को, देखो जैसे तुमने उससे रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा, उसके बाद तुम मान लो हाउस प्रॉपर्टी पढ़ने गए, तो क्या है हाउस प्रॉपर्टी जब पढ़ने जाओ ना, तो पहले रेजिडेंशियल स्टेटस रिवाइज करो, फिर हाउस प्रॉपर्टी के बाद तुमने पढ़ा सैलरी, तो सैलरी से पहले वापस ये दोनों का रिविजन करो, रिविजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मतलब मैं बताऊँ ना, मैं ये होता है अपना कंपाउंडिंग रिविजन होता है, ये हर सब्जेक्ट के अंदर करना होता है, अगर तुम ये करना सीख गए ना भाई, गए तुम तो मतलब बहुत शानदार रिजल्ट, बहुत शानदार, हर सब्जेक्ट के अंदर अगर तुम ये करने लग गए तो इससे क्या होगा, तुम बताओ मेरे क्या, जैसे मैं मान लो ऐसे करते करते जब मैं IFOS या फिर डिडक्शन तक पहुंच जाता था ना, तो सैलरी में मैं बार बार रीड नहीं करता था, मैं अच्छा घुमाया 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 ऐसे सैलरी के अंदर नॉर्मली मैं ऐसे घुमा घुमा घुमा, हाँ ये प्रोविजन है। और कुछ कुछ तुम्हें ही पता है, जैसे वो एक सैलरी थी RFA की, उसकी सैलरी वगैरह कुछ कुछ चीज़ें हैं जो दिक्कतें आती है, वो तुम्हारे को पहले ही मार्क कर लेनी है, मतलब जो भी चीज़ तुम्हारे को याद नहीं हो रही ना, दो तीन बार में भी, दो तीन चैप्टर तुमने पढ़ने के बाद सैलरी में कुछ अटक ही रहा है कि यार ये समझ ही नहीं, मतलब रेजिडेंशियल पढ़ा, हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा, सैलरी पढ़ा, तो रेजिडेंशियल स्टेटस में मान लो, बस मान लो जैसे सैलरी और PGBP में तुम्हारे को थोड़ी कन्फ्यूजन रहेगी कुछ कुछ टॉपिक्स के अंदर, तो उनको पहले ही मार्क कर लो। अब तुम ओवरऑल भी रिवाइज कर रहे हो ना, तो तुम उनको बार बार देखते रहो भाई, छप जाएगी दिमाग में, मज़ा आ जाएगा, सच बता रहा हूँ, ये करके देखना बहुत बेनिफिट रहेगा। अब बताने जा रहा हूँ मैं इस वीडियो का, और मतलब बहुत ही बहुत ही बहुत ही कितना इंपॉर्टेंट बोल लो, बहुत इंपॉर्टेंट, दो रिविजन टेक्निक्स बताने वाला हूँ मैं, दो रिविजन टेक्निक्स तुम्हारे रिजल्ट को नेक्स्ट लेवल पहुँचाने की एक पोटेंशियल है, और चाहे तुमने कितना ही कम पढ़ाओ, मैंने बहुत कम पढ़ने के बाद भी इन टेक्निक्स की वजह से पास करा है एग्ज़ाम, और वो भी एग्जामिशन में, इसलिए बोल रहा हूँ। अब जो रिवीजन टेक्निक जो दो बता रहा हूँ ना, तुम्हारे को सुन के भी मज़ा आ जाएगा, हो सकता है तुमने पहले कभी नहीं सुनी हो, अगर सुनी होगी तो मेरे से सुनी होगी, ठीक है ना, क्योंकि ये मैंने खुद नहीं बनाई थी, तो ऐसे कोई है नहीं कि कोई और बता दे, ठीक है ना, नेक्स्ट लेवल चीज़ होने वाली है ये, और करना ज़रूर तुम्हारे को, लिटरली बता रहा हूँ भाई, जो रिजल्ट मिलेंगे ना तुम्हारे को सुन के ही मज़ा आ जाएगा, सुन के तुम वीडियो को लाइक करके जाओगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओगे, ठीक है ना। देखो क्या सबसे पहले चीज़, तुम्हारे पास मान लो 6 सब्जेक्ट है, तुम इसको 3 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट जो भी है तुम्हारे को वो डिवाइड कर लेना, ठीक है, 6 सब्जेक्ट है तुम्हारे पास। अब तुम्हारे को क्या करना है, एक कॉपी लेनी है, रजिस्टर भी ले सकते हो, मैंने कॉपी ली थी इसलिए बता रहा हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास है, अपने पास 180 पेज है, मान लो 6 से डिवाइड करने के लिए अपने पास 180 पेज है, ठीक है ना, उस कॉपी के अंदर। अब क्या करना है, 6 सब्जेक्ट में डिवाइड करना है, 30 30 30 पेज हो गए, पहले पेज में लिखा एडवांस अकाउंट्स, 31 पेज पे लिखा लॉ, ऐसे तुमने सारे सब्जेक्ट लिख लिए, ठीक है ना। अब तुम्हारे को क्या करना है, जो भी तुम इलुस्ट्रेशंस वगैरह करो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह करो, RTP MTP PYQ जितने भी तुम्हारे को PDF मिल रहे, जो भी तुम जितने भी क्वेश्चंस तुम्हारे को पता है ना, जितने भी तुमने करे आज तक, उन क्वेश्चंस के अंदर जो चीज़ तुम्हारे को नहीं आई, या फिर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही, या फिर कोई एडजस्टमेंट, या फिर कोई वर्किंग नोट, या फिर कोई कैलकुलेशन जो लिटरली तुम्हारे को लग रहा है, या फिर कोई लाइन है जिससे यार इसका मीन, इससे अपना क्वेश्चन ही बदल रहा है पूरा, ऐसी जो भी जितनी भी चीज़ है ना एक क्वेश्चन से रिलेटेड, जो चीज़ बेसिकली तुम्हारे को समझ नहीं आई, वो तुम्हारे को उस कॉपी में, उस एडवांस अकाउंट्स में, जैसे एडवांस अकाउंट्स में नहीं आए तो एडवांस अकाउंट्स में वो कैलकुलेशन, वो आंसर लिख लेना है। ऐसे तुम्हारे को सारे सब्जेक्ट के अंदर करना है। अब तुम खुद ही सोचो, उस जो एक कॉपी बन जाएगी ऐसे 6 सब्जेक्ट की, उस कॉपी को तुम रिवाइज करोगे बार बार, क्या रिवीजन होगा, जो तुम्हें आता है वो तो तुम्हें आता ही, जो तुम्हें नहीं आता वो तुम रेगुलर पे रिवाइज कर रहे हो, क्या रिवीजन होगा, हर चीज़ आती होगी तुम्हारे को मॉड्यूल की, ये चीज़ हो जाएगी। और सबसे मेन चीज़, मान लो तुमने 3 अटैम्प्ट के RTP MTP PYQ कर लिए, जो कि प्रेफर रहते हैं 3 अटैम्प्ट के, उसके बाद मान लो तुम 1.5 दिन के अंदर रिवीजन करने जा रहे हो, जो तुम्हें आता है वो तो आता ही, साथ में तुमने ये कॉपी करा, सामने वाला बच्चा क्या है, वो तो सिर्फ मॉड्यूल वगैरह नोट्स वगैरह रिवाइज करके आ रहा होगा, तुम पिछले अटैम्प्ट के जितने क्वेश्चन तुम कर रखे हो, जितने तुमने इलुस्ट्रेशन मॉड्यूल सबके जितने भी क्वेश्चन करें, तुम सब रिविजन करके आ रहे हो एक तरीके से, क्या रिविजन लेवल होगा तुम्हारा, सोचो एक अलग ही नंबर तुम्हारे को मिलेंगे, और हर कॉन्सेप्ट तुम्हारे को, हर चीज़ आती होगी उस कॉपी को भाई,
मैंने खुद ने सी फाउंडेशन इंटर ग्रुप वन ग्रुप टू सब चीज़ों में बनाई है वो कॉपी, और लिटरली बता रहा हूँ जो तुम्हारे को ये रिजल्ट करके जो चीज़ें याद रहेंगी ना, मतलब सामने वाला जो जिस चीज़ में अटकता है ना वो तुमने उधर लिख रखी है और तुम उसको इतनी बार रिवाइज कर लो कि तुम्हारे को अच्छे से आती होगी वो, इसलिए बोल रहा हूँ मज़ा ही आ जाएगा ये चीज़ के लिए। दूसरी चीज़ मैं तुम्हारे को बताऊँ ना, दूसरी रिविजन टेक्निक, देखो मेरा क्या है, मैंने जो अभी दिया था ना एग्ज़ाम उसमें मैंने बहुत कम पढ़ाई करी थी फिर भी मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे। ये जो रिविजन टेक्निक है ना इससे तुम बहुत कम पढ़ाई करके भी बहुत ज़्यादा नंबर ला सकते हो, ठीक है। अब वो क्या है, सबसे मेन चीज़ है अपने किसी दोस्त को पकड़ लो और वो होना चाहिए तुम्हारा टॉपर, कोई टॉपर हो ना उससे, जो भी तुम चैप्टर वगैरह है ना, जो भी तुम्हारे पास चैप्टर वगैरह है हर सब्जेक्ट में बता रहा हूँ, छः के छः सब्जेक्ट में, दोनों रिवीजन ये जो लास्ट की दो है ना सारे छः के छः सब्जेक्ट में एप्लीकेबल है, ठीक है ना। किसी दोस्त को पकड़ के तुम एक जैसे थ्योरी सब्जेक्ट से तो उसके अंदर याद कर लो अच्छे से पाँच पॉइंट, मतलब एक चैप्टर याद कर लो अच्छे से, और उसको बोलो कि एक जिस समय तू फ्री है आ जाओ कॉल पर अपन डिस्कस करते हैं, वो तुमसे पूछेगा तुम उससे पूछो, भाई नेक्स्ट लेवल रिविजन हो जाएगा इससे तुम्हारा, क्योंकि तुम किसी को समझाओगे ना वो तुम्हारे पॉइंट अच्छे से याद रहेंगे, और वो जैसे ही मान लो पाँच पॉइंट है वो चार ही बोला, एक तुम उसको बताओगे ये तू नहीं बोला, तुम्हारे को मतलब अच्छे से याद है वो, और उसका भी नेक्स्ट लेवल रिविजन हो जाएगा। जितना हो सके खुद से टॉपर ढूंढो, अगर नहीं है तो तुम्हारा कोई भी दोस्त चलेगा भाई, लिटरली बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा सही रहेगा, बहुत ज़्यादा, इससे तुम्हारा एक नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन हो जाएगी और नेक्स्ट लेवल तुम्हारे को याद हो जाएगा, हर चीज़ याद हो जाएगी, टैक्सेशन लॉ ऑडिट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, भाई जो लेवल की तुम्हारे को याद हो जाएगी ना सारी चीज़ें, मज़ा याद आएगा तुम्हारे को। टैक्सेशन के अंदर इतने सारे नोट्स है, अगर तुम खुद से याद करने चलेगा ना भूलते ही रहोगे। अब मैं क्या मान लो मैं कुछ भी पढ़ रहा हूँ लेकिन किसी, जैसे मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा ना, मैं किसी दोस्त को फ़ोन करके हाँ चलिए डिस्कस ये बता ये बता ये बता, वो भी मेरे से पूछने लग जाता, मैं बोला भाई पूछ भी तू, ऐसे जो रिविजन हो जाता था ना सारे याद हो जाते थे। जैसे जो भी तुम्हारे को लग रहा है ना यार ये हार्ड पॉइंट है उससे पूछ लिया, हाँ चल भाई ये बता तेरे को आता नहीं आता, तो इससे भाई लिटरली बता रहा हूँ तुम्हारे को मज़ा आ जाएगा। देखो अब मैं तुम्हारे को एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे को सच में कुछ लगा इस वीडियो के अंदर कि यार मज़ा आ गया, कुछ शानदार चीज़ बताइए सीखने को मिल गई, अब तो मैं फोड़ ही दूंगा, तो भाई वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसी वीडियोस के लिए, और ऐसी तुम्हारे को मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगा यहाँ पे, तुम्हारे को छः के छः सब्जेक्ट की मिल जाएगी भाई, सारी वीडियो सब्जेक्ट वाइज देख लो तुम्हारे को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो यही था इस वीडियो के अंदर, लाइक ज़रूर कर देना।